है कि मैं अमरावती में असेंबली बनाते हैं, मैं ये बंगला देता हूँ भाई कौन बंगलादेश वाले यहाँ असेंबली बनने के वक्त गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की ऐसी गरीबी हालत में है, फिर भी आज आंध्र प्रदेश में असेंबली बनते हैं चंद्रबाबू नायडू, वो असेंबली के ऊपर भी कहते कि भाटा उठाती पहले कहते उन्हें पैसे नहीं, उन्हें घर बन नहीं आता है तो कैसा रहता है, हर बार पूछना असेंबली बनते हैं कैसा रहते हैं। तो यहाँ भी था आंध्र प्रदेश में जितने ऑफिसा है उतने ऑफिसा ले लेते हैं, विजयवाड़ा में उधर गुंटूर में होते हैं, कितने बच्चों को पढ़ने लगे वास्ते इतने कॉलेज नबे नबे कॉलेज ले लेते हैं आंध्र प्रदेश में, कितने कॉलेज आते हैं आज इंशाल्लाह दो तीन साल के अंदर कम से कम लाखों की नौकरी आने वाले हैं। ये सब बाहर कंट्री से आने वाले तुम्हें देखते हैं टीवी में कभी चंद्रबाबू नायडू अमेरिका गया, चंद्रबाबू नायडू रशिया गया, चंद्रबाबू नायडू दुबई गया, चंद्रबाबू नायडू हाँ गया, कहीं भी जाता है ये स्टेट के वास्ते मंखा का पैसा लगाने जाता है। ये स्टेट में हमें गरीबी हालत है हमारी, हमने असेंबली बनने नहीं, हमने ऑफिस में लेने पैसे नहीं, तब बोल को हाथ जाकर उन गले से ले लगाने में हो जाता है पूरा लेकर फिर लगाने जाता है क्या कहाँ से आती पैसे इतने पैसे लेगा को ये घर बनना तो तकलीफ होती है। आज पूरे स्टेट के पूरे नबे ऑफिस बना है आंध्र प्रदेश के, नहीं तुम्हें दो रुपये देते नहीं तुम ना को हाँ लंगड़े इतने को 500 देते थे, लंगड़े इतने को 1500 लेते ही नहीं, ये भी झूठ है क्या बोलता चाहिए जगन कब तक छोटे बात तुम्हें बोलते हैं कल आपको प्रेमदारी रखो ना हाँ बोलता है पता पता जाता है चंद्रबाबू नायडू అంటే 1000 రూపాయలు పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చేది అబద్ధమా, 1500 మరి విఠలాంగులకి ఇచ్చేది అబద్ధమా, హజ్ హౌస్ కట్టేది అబద్ధమా, మీ కళ్ళకు కనపడడం లేదా అని మీకు వైఎస్ఆర్ జగన్ పార్టీ నేను అడుగుతున్నా. అదే రకంగా మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ముస్లిం సోదర పిల్లలు చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్ద చదువు చదవలేకపోతున్నారు, పడే పరాసక్తిని అచ్చా పడిన వాళ్ళే వచ్చే హి ముసల్మాన్ అమ్మేవి वो बच्चा को पैसे बनाकर दूसरे स्टेट में रहने भी दूसरे कंट्री में पढ़ाने के वास्ते भी पैसे नहीं देते, चंद्रबाबू नायडू नई स्कीम निकाला मुसलमानों के सिंगापुर का पढ़ा काशी है सिंगापुर बोले जाए कि सिंगापुर का रेवरेटी जाको हाँ जगड़ा ही वहाँ बोले को हाँ जमीना बोले को फैक्ट्री बोले को रेवरेटी साफ बोले को नहीं है। हम ना को गरीब गोर को धड़े भले सकते नहीं है क्या, हमें खेती दी नहीं है करना बोलो अभी लोन दे रहे चंद्रनाथ माफी को बोले वो माफी नहीं किया अभी नहीं को बोल को गया कर लोन को पैसे भर दी अभी तक थोड़े पैसे दिए नहीं थोड़े पैसे खा गई है तो हम जवाब देते नहीं लोन 3000 पैसे दिया 6000 दिया कस्तू कुमकुम कवर को 3000 दिया ये लीडर मटम निकल कर बैठी हाँ फिर हमें पैसा भरना कहते ग्रुप का नाम नालगड्डा हाँ तेलुगुदेशम पार्टी पब्लिक क्वेश्चन आपको उसे जवाब देना हमें जरूरी है कहीं बोले तो एक डाग्रा महिला को बने से तेलुगुदेशम पार्टी डाग्रा महिला लो आज जो बने हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम आज उनको लोन देते हैं अगर बोले तो तेलुगुदेशम हुकूमत बीच में दूसरी गवर्नमेंट आई है कांग्रेस गवर्नमेंट उसके बाद वो पैसे से उनको वड्डी एता आरोप को उनके चेंजेस करें वहाँ आज की हालत में दागरा महिला की वड्डी माफ़ करती है ऊपर को चंद्रबाबू नायडू साहब बोले मगर वो वड्डी एकदम तुम ना को डाल सकते नहीं एक कर बोले तो मैं तुम ना बोलियो आज की हालत गवर्नमेंट की बड़ी ख़राब हालत है तो भी जरा जरा कर दो परिहाल 3 साल 4 साल के अंदर तुम्हारे पैसे वड्डी के पड़ती एक इंस्टॉलमेंट तुम ना को पड़ा वड्डी तुम ना को आगो एक इंस्टॉलमेंट में एक पैसे एक बार डाली दुम्बे बार भी तुम ना को वड्डी माफी के पैसे डालते ही उसका ऐसा जो बरस की एक बार की 6 महीना एक बार की तुम्हारे पैसे बोले सका चंद्रबाबू नायडू बात दिए सका तुम ना को गारंटी से तुम्हारे आगो डाकरा महिला के पूरी वड्डी दिए तक गारंटी छोड़ देने कहीं कर बोले तो एकदम पैसे दे सकते नहीं माँ गवर्नमेंट की हालत बहुत नाजुक है कहाँ सी के पैसे ले ला के आते ही दूसरे फॉरन कंट्रीज को भी जाकर हमारी हालत अच्छी नहीं है हमें डेवलप करना बोल को ले लगाते हैं ये जब वो तुम्हारा मालूम के नहीं कि डागरा महिला के वड्डी माफी करती है बोले तो झूठ बोलता है चंद्रबाबू नायडू कहीं 200 रुपये से 1000 रुपये पिंशन देता है तो झूठ बोलता है चंद्रबाबू नायडू कहीं वाईएसआर पार्टी वाले डागरा महिला के इंस्टॉलमेंट दिए नहीं तुम ना को जरा तो मगर सुनो बोलते हो डागरा महिला के पैसे जो डाली वो रोटेशन सिस्टम में तुम्हारे अकाउंट में छता
पूरे पैसे आ जाने के बाद उसके वड्डी के साथ बैंक डाल दो, तुम्हारी पूरी वड्डी माफ करने का प्रोग्राम हो। उसे तुम्हें अभी छुआना, अभी से डालना, वो निकाल कर हमारे हाथ में दिया और बोला तेरा टाइम पकड़ता क्या भी चीज़ का। एक पैसे एक चेक डाले तो गवर्नमेंट की तरफ से एक चेक आना आ रहा टाइम पकड़ता। वैसा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं घर का अब खराब होते हैं। घर के अगर बोले तो गरीब अत्यां को जवानी से वाले को घर डालना स्कीम है क्या? ये बात भी मैं तुम्हारे सबका जवाब देता हूँ। आज जितनी जगह है हमारे कड़पे के अंदर ही एक रहे जगन पार्टी वाले खाले को उनके सख्या के नाम आंबो कर ली। लास्ट मजिदा के भी, खबरस्तान के भी, देवला के जगह भी उनके नाम आंबो कर ली उनके सख्या के। उन्हों कर लेने की वजह से आज हमें गरीब अत्या को 2 सेंट जगह देना अगर वो बोले तो भी गाँव के बाहर जाकर देखे तो भी जगह मिलती नहीं है। अगर जगह मिली तो 2 बेडरूमों की घर की 6 लाख रुपए तक खर्चा कर दो, चंद्रबाबू ने आड़ू घर बनाना बोलता है। ये जगह इसी जगह देखी हमें वो बुकोंगा डैम मैंने जाकर सेलेक्ट करी, पूरे कलेक्टर MRO ने सब जाको तो वहाँ जाओ। जगह देखने के बाद हमें यहाँ रह सकते नहीं, बहुत अंदर को है, हमें गरीब अपने हाथ से आना तो तकलीफ है अगर बोले तो वो जगह को कैंसिल करें। हमें दूसरी नई जगह देखते हैं गाँव के बाहर हो, JMJ कॉलेज के ऊपर हो, अगर वो कना करेक्ट हो गई तो गरीब अध्ययन को वहाँ जगह प्लस घर दाल को देने का प्रोग्राम हमारे चंद्रबाबू राठ साहब करते हैं। ये स्कीम चलती गारंटी दे करो बोलता हूँ। एक नहीं अब कॉम्प्लेक्स मत बनाते हैं, अब वो जगह आगो अब वो 5 सेंट जगह में 5 जने बैठे रहना अगर बोले तो नहीं रह सकते। एक घर के ऊपर एक ताले को रहती। ऐसा गवर्नमेंट की क्या सूची करो बोले तो जगह कम है, अगर अध्ययन की जरूरत ज्यादा है उसके ऐसे अपार्टमेंट के नमाज बन को एक एक आदमी को 2 बेडरूम मांगा घर वो अपार्टमेंट में देने के वास्ते भी हुकूमत आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू साहब ने इसका स्कीम रेडी करे हैं। इंशाल्लाह ये अकेडमी के लास्ट चतुर्थ वर्ष अपार्टमेंट तैयार होते हैं। कौन कौन अप्लीकेशन रख लेंगे घराने से उनको प्रायोरिटी के हिसाब से कौन पहले अप्लीकेशन रख लें वो हिसाब से अप्लीकेशन के साथ उनको घरा दिया जाएगा। ये जरूर काम होते हैं। चंद्रबाबू नायडू बोले तो देर होती मगर काम होता। मैं आपको बोलता हूँ ये काम होने के बोलता बन के नहीं होने के काम नहीं बोलता। देर होती बन के अंधेर नहीं, ये आप याद रखना है। आपको लेना कहती ये पाप उम्र गए तो बुढ़े इतने अंगूठे लगे तो उसमें मशीन काम करती नहीं बराबर। उसके वास्ते तुम्हारे पास अभी भी एक आइडिया देता हूँ मैं। रेशन लेते इसको दो, तुम्हें क्या करो तुम्हारा संगठन ही तुम्हारे घर में आते थे 2-3 बच्चे को भी ले लग जाकर उनके भी अंगूठे तुम्हारे को मशीन में लगा कर रखो। तुम्हें जाकर रेशन नहीं डाले तो भी बच्चे को भेजे थे भी उन्हें अंगूठा दिखाते भी तुम्हारा रेशन तुमको आया था। ये बता ये नहीं मालूम हमारे नानी जाना गया कि हमारे नाना जाकर ले पाना गया कि वो रेशन में तो आता नहीं उनका अंगूठा लगाना गया कि कर वो बोलो हटा तुम नाटो वो मशीन में तुम्हारा अंगूठा नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने वाले किसके भी अंगूठे के है अमले उसके ऊपर लगे तो मशीन के ऊपर हो तुम्हें नहीं करते भी घर के कोई भी 2 जने 3 जने के लगा रखे तो जो उनको भी देती तो उसके से ऐसा उन्हें देता नहीं मशीन का तो हमें अनाज देते नहीं तो चले आना नहीं हमारा कैसा आता है वो पूछना खड़े करके पूछना उसे पूछना जो रोशन डालता उसे पूछना मैं अंगूठा पड़ता नहीं और बच्ची का अंगूठा लगा दूंगा लगा मांगता ये नहीं 2 जने के अंदर लगा घर में एक ही तुम्हें एक ही जने ही अंगूठा भी लगाओ अब एक अंगली लगाओ अब एक 2 अंगलियाँ लगा 2-3 अंगलियाँ लगा तो कौन सी अंगली लगा तो मशीन में राइट करती मशीन हाँ ये अदमी की भाई अंगली राइट करती इसके वास्ते क्या तुम्हें डॉक्टर नहीं है तो मालूम कर लो ये खाली रमजान तोहफे को ही करो बोलो खाली तोहफे को नहीं तुम ना गवर्नमेंट से क्या क्या होना वो बात उसके बारे में पूछे तो मैं जवाब देता हूँ। गीत बना के उसका एहसास करना जो एहसास होना बोल के ये तोहफा रखे रमजान तोहफा रमजान तोहफा है तो अच्छा वो सब एक ही चीज नहीं मुसलमानों के लिए बहुत कुछ है। हमें क्या करते रहे जो चीने बड़े दाम रहते गरीब मुसलमान लोग उनका नाम अड्रेस लिखने लगा कि 6-7 हज़ार लोन साइन कर चेक ले आने देते थे ऐसा ऐसा सर डबल चले थे तो अभी क्या था मस्जिदों को दिए मस्जिदों के रिपेयर को दिए पैसे मस्जिदों को नए पर्यटन अब रास्ते में जाते रहते हमें देखते रहते
रोड के पास जो 30 बंद को वहाँ मस्जिद नमाज पढ़ते रहे थे कटाई बदले को उनको ले आए वो 80,000-90,000 चेक ले ले जाकर उन्हें देते थे मस्जिद बंद लोग बोल के नहीं ऐसे बहुत कुछ ड्रामा जो शुरू हुए हैं ये चंद्रबाबू ने सब से शुरू हुए अब वो नमाज पढ़ाते इमाम साहब रहते मौजूद रहते अच्छे उठले कपड़े पहन लेते अच्छा अच्छे दिखते लेकिन बहुत गर्मी में रहते क्या काम रहता उनका नमाज पढ़ाना एक है तो क्या करे उनको भी हमें 3,000-5,000 पैसे मैंने मेहनत फिक्स करे फिर सर को उनको भी पैसे दिए हैं और तुम्हारे तुम्हारा रोड़ा या सभी तक डाला सामने जल्दी जल्दी में रोड़ा डाला है सब करे ये सब चीज़ें जो भी अच्छाई चलती है जो अच्छाई करता है तो हमारे तो मजबूत कराना है ये चीज आप कभी नहीं भूलना और आपको जो भी आपके अभी माल बस वाले और दूसरे लोग उनको हार्ड आए महीना के वर्ग अंदर रमजान रोज पंडा चुस्काल उद्देश्य तो मैं अंदर सामान उद्देश्य तो मैं मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबुना गारु रंजा कृपास्ट गत चुस्ते गत प्रभुत्ना तब मिम्मेल बात राज मिम्मेदी आश पड़े वेपनी वाल प्रभु तब एवर मैनारटी को उमार मतमी पंपी चंद्रबाबुना श्रीनिवास रेड्डी अदे विधा सत्कु अरे सबको रमजान मुबारक और बहन जी को स्पेशल रमजान मुबारक बोल रहे हैं जरा हटो भाई जरा हटो भाई सारा ट्रेन होने दो ना भाई क्लास 34वां डिवीजन लो ओके रमजान तोहफा పంపిణీ కార్యక్రమానికి అంటే ఏం చేయమంటా ఏనికి జరగాలంటే ఊరు తిరగడంలా కార్పొరేటర్లు జాకిర్ గారు రామాజీ గారు శ్రీమతి సుజాత గారు వేదిక మీద ఉన్న ప్రజలు అందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ముఖ్యంగా ప్రజల సోదరులు అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు రంజాన్ పండుగ 2010 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు
मुख्यमंत्री अच्छा मोटमोद पड़ग रंजा पड़ग रंजा पड़ग रहा मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडु आलोचर संवसरा पड़ी चाल मंदी पेद मैनारटी वाल डबू पड़ग गोपार मरी पेद प्रजु पड़कने दाखी अवकाश आर्थिक प्रभुत् भारम पर्वे पड़ग बेसकाल उदेश रूल पदना संवस अधिकार रंजा तोफा कार्यक्रम प्रारंभ मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना मैं आ रोज एन क ఐదు సంవత్సరాల ఎన్నికలు ఉన్నా కూడా మీ మీద ప్రేమతో మీరు బాగుండాలా పండుగ బాగా చేసుకోవాలా ఆనందంగా ఉండాలా అనే ఆలోచనతో ఉచితంగా ఫ్రీగా ఐదు వస్తువులు నెయ్యి గోధుమ చక్కెర ఇవన్నీ కూడా సేమియా ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా దాదాపు ఈ రోజు 560 600 రూపాయలు అయితే మనం అంగడిపై కొనుక్కుంటే मैं आ वस्तुनी फ्रीगा इच्छी पड़ग बेसकोल आलोचन तो चंद्रबाबु नायडु गारी कार्यक्रम पद लक्षल मंदी पदको लक्षल मैनारटी सोदर की ईद पदे रूपये रंजान सदर्भंग इवाल मुख्यमंत्री का निर्णय उदाहरण कड़प जिले चूसे 1,37,000 कुटाल की रंजा तोप इतना कड़प पटण में 25,583 मंद की जीवन तल अच्छी तरह मंदिर पेदवा संक्रांति सदर्भंग अदे रंजा सदर्भंग क्रिस्मस सदर्भंग अच्छे मैनारटी सोदर की मतलब डबल टमाटा ने रंजा का संक्रांति की आने क्रिस्मस మైనారిటీ వెల్ఫేర్ తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 1820 కోట్లు మాఫీలకు జీతాలు ఇస్తున్నాము వాళ్ళ వెల్ఫేర్ ఏది ఉన్నా కూడా ఆర్థికంగా పెరిగేదానికి లోన్లు ఇచ్చే దాంట్లో కానీ అన్నింటిలో పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా హర్ష్ భవన్ ఇక్కడ కడపలో ఆల్మోస్ట్ 12 ఎకరాల్లో 10 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం కూడా మొదలైంది. ఇప్పుడు రంజాన్ సందర్భంగా ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రంలో లక్ష 37,000 కుటుంబాలు ఒక కడప జిల్లా వాళ్ళందరికీ రంజాన్ సందర్భంగా తోఫాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. మై షేక్ జాకిరుద్దీన్ హూ ఆర్ 37 డివిజన్ కా కార్పొరేటర్ హూ. ఆజ్ బహుత్ ఖుషీ కీ బాత్ హై మేరీ వార్డ్ కే అందర్ मेरी वार्ड के अंदर हमारे इंचार्ज मिनिस्टर सुमी रेड्डी साहब और आदिनारायण रेड्डी मिनिस्टर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वासु साहब और माइनॉरिटी लीडर और हमारे पार्टी के पूरे लीडर आकर यहां पर मेरी वार्ड के अंदर रमज़ान के मौके के ऊपर हमारी पार्टी की तरफ से रमज़ान तोहफा 5 kg घी और 2 kg शक्कर 1 kg सेमिया और 100 ग्राम घी दो भी ये सब मिलाकर हमारे रमज़ान के मौके के ऊपर माइनॉरिटी लोगों को सबको तकसीम कर रहे हैं. हमें बहुत खुशी की बात है. ये हमारे कड़पा सिटी के अंदर 25,000 माइनॉरिटी लोगों को ये तकसीम किया गया है. ये इसके लिए हमारे सीएम चंद्रबाबु नायडु साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.